लिटिल जानू लव यू व्हाट खूबसूरत ये क्या गैर अखलाकी हरकत कर रही हो यार नबील सच सच बताओ कौन है ये लड़की जो तुम्हें इतने वाहियात मैसेजेस भेज रही है जादू कोई कोई लड़की नहीं है ये मेरे बचपन का दोस्त है अली इमरान यार मुझसे इसी तरह लड़की बन के बात करता है यार मुझे तुम पे बिल्कुल भरोसा नहीं है नबील अपना फोन दिखाओ मुझे जानू तुमने देखा तो हुआ है वो जो पिछले साल पापा जी ने मुझे लेके दिया था वही वाला है डब्बा बैग मुझे फोन चेक कराओ नबील जानू इतना शक शादी को कहा जाता है यार मेरी अजीम माँ से सीखो कितना स्पेस देती है महमूद साहब को नबील तुम मुझे अपना फोन दोगे या नहीं जानू पहले तुम वादा करो कि तुम मुझे 3 से 4 लाख वाला फोन नया लेके दोगी तुम्हें शर्म नहीं आती नबील आती है जानू बहुत शर्म आती है इसीलिए तो मैं छोटी छोटी ख्वाहिशें करता हूँ वरना मैं सोच रहा था कि पापा जी की तौलिए वाली फैक्ट्री मांग लूं गिफ्ट में शट अप नबील ओके जानू ओके चीटर जानू आप बाजार जा रही हो मेरे लिए कुछ लेती है ना हाँ लेकर आऊंगी 3-4 चुपेड़े जानू अबे कौन से वाली का मैसेज था फरमाएगी निकुड़िए इधर आओ चितिया जी जा जाके मेरे लिए चाय बना के लाओ आलिया खूबसूरत हाँ जा जाके खूबसूरत सी चाय बना के लाओ मेरे लिए माँ जी मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ हाँ तो मैं भी चलती हूँ मुझे पता है आप चलती हैं अरे भाई मुमताज शॉपिंग पे जाने की बात कर रही है खूबसूरत हरगिज नहीं मैं इन्हें अपने साथ नहीं लेके जाऊंगी हाय मेरी बच्ची कसम से मैंने तुझे हमेशा अपनी सक्की बेटी समझा अरे झूठ तो ना बोलो मोमो तुम्हारी नाक लंबी हो रही है माँ जी पहले आपको वादा करना होगा कि हर दुकानदार से हंस हंस के बातें नहीं करेंगी आप मुमताज हाँ जी अरे तुम दुकानदारों के साथ हंस हंस के बातें करती हो नहीं नहीं हंस हंस के नहीं करती मैं तो शर्मा के बात करती हूँ उनसे ओ तो फिर तो तुम हर किस नहीं जाओगी मोमो मैं जाऊंगी चींटे मत तोड़ाओ ओफ अच्छा चले बट प्लीज चुप रहिएगा माँ जी मैं अभी ना जल्दी से कलेजी कलर की लिपस्टिक लगा के आती हूँ मेरे ऊपर बहुत अच्छी लगती है चलो जल्दी करें कलेजी कलर की यार मैं मूसा अल्लाह माफ फरमाए हद होती है यार हाँ नबील इसने तो हद ही कर दी है मैं मूसा आपको सुनाई नहीं दे रहा अरे सुनाई भी दे रहा है दिखाई भी दे रहा है तभी तो कह रहा हूँ ओ भाई दरवाजे में कब से बेल हो रही है अरे तू जाके देखो ना कौन है अच्छा आपने यही देखना है मैं देखूं ओ यार भाई आ रहा हूँ यार एक तो मैं मूसा के रहा बोलो कोकाफ की शहजादी तुम्हें क्या चाहिए शहजादी मेरा नाम नौशीन है आप मुझे प्यार से नौशी भी बुला सकते हैं और जब शदीद प्यार आए तो क्या बोलूं जी माफ कीजिएगा मैं जरा जज्बाती हो गया था मेरा नाम नबील है आप बताइए आप कैसे तशरीफ लाएं वो मैं आपके पड़ोस में आज ही शिफ्ट हुई हूँ इस्लामाबाद से मेरे सामान का एक ट्रक कल पहुँचेगा तो सोचा कुछ जरूरत का सामान पड़ोस से ले लूं बिल्कुल सही सोचा नौशी तुमने आओ तुम्हें क्या चाहिए आओ मेरे साथ जो चाहिए ले लो हाँ नौशी ये मेरा गरीब खाना आज वो अरे ये कौन है नबील नौशी बचपन की दोस्त तुम्हारे बचपन की या इसके बचपन की मैमोसा ये कौन है नबील ये मेरे इंतहाई बूढ़े बाप है तुम इन्हें अब्बू जी बल्कि दादाजी कह सकती हो अब्बू ठीक रहेगा अब्बू अरे भाई मैं किसी का अब्बू बब्बू नहीं हूँ ठीक है तुम इनको अंकल कह लो नौशी वो अंकल मुझे किचन से थोड़े से बर्तन चाहिए थे कल तक वापस कर दूंगी चलो मैं तुम्हें किचन में लेके चलता हूँ आओ हमारा किचन इस तरफ है आज वो काश मैंने दरवाजा खोला होता आओ नौशी आओ ले जाओ जितने बर्तन चाहिए ये सारा तुम्हारा किचन आपका दिल कितना बड़ा है हाँ ये तो है इसलिए सारी दुनिया का हुस्न इस दिल में समा सकता है जी आप कहना क्या चाहते हैं बहुत कुछ तो कह दीजिए सच जी जी मैं तो बचपन से बुलबुले की फैन हूँ जी मैंने तो बचपन से ही सोच लिया था कि बड़ी होके बुलबुले वाले नबील से शादी करूंगी आपको कोई एतराज तो नहीं है ना अरे मुझे क्या एतराज होगा चल पगली कहेगी बस मैं तो ये सोच रहा था कि खूबसूरत का क्या होगा खूबसूरत को उसके पापा के घर भेज देंगे ना उसका रोल मैं कर लूंगी वैसे भी मैं उससे ज्यादा खूबसूरत हूँ बेशक बेशक अच्छा तो मैं कुछ सामान ले लूँ यहाँ से जो चाहती हो ले लो सारा किचन तुम्हारा बल्कि अगर तुम कहो तो मैं खुद खाना पका के तुम्हारे घर छोड़ दूँ नहीं नहीं खाना तो मैं खुद ही बना लूंगी ये ले अभी छुरी चाहिए आपको
छुरियां तो बहुत है, कौन सी छुरी चाहिए आपको? ये वाली चाहिए? ये वाली ले ले। चले मैं आपको अपना लॉन दिखाता हूँ, वहाँ बहुत सारे रोमांटिक गाने पिक्चराइज हुए हैं। चलिए आए 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 आए। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। सच बताओ कौन थी ये? ममो साहब, वो आपकी होने वाली बहू है। अरे मेरी बहू खूबसूरत है भाई। फिक्र ना करें ममो साहब, ये उससे भी ज्यादा खूबसूरत लगेगी। नबील, मैं खूबसूरत के साथ ये ज्यादती नहीं होने दूंगा। ममो साहब, नौशीन मेरी मोहब्बत है। अरे ये रातों रात अचानक कहाँ से आ गई मोहब्बत? रातों रात नहीं महमू साहब, नौशीन मेरी बचपन की मोहब्बत है। सालों पहले हमें जालिम समाज ने मिलने नहीं दिया था, अब हमें मिलने से कोई नहीं रोक सकता। मैं तुम्हें रोकूंगा नबील। आप होते कौन है मुझे रोकने वाले? मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैं आपको बाप मानने से इनकार करता हूँ। नबील, महमू साहब, मैं अपने और नौशीन के दरमियान किसी जेलस बूढ़े को नहीं आने दूंगा। ठीक है, फिर आ लेने दो खूबसूरत को, मैं भी उसे बताऊंगा कि तुम्हारे जाने के बाद क्या क्या हो रहा था यहाँ पे। और जाए जाए महमू साहब, मैं किससे नहीं डरता, मैं नौशी के इश्क में पागल हो चुका हूँ, मैं किसी का भी खून कर सकता हूँ यार। मुझे नौशी के ख्यालों में गर्क होने दें, अपना 500 किलो का मुंह यहाँ से लेके जाएं यार, बड़ा अफसोस हो रहा है यहाँ पे। जा रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखना नबील, मैं ये शादी नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। चाहे नहीं होने दूंगा, इतने मलका है जज्बात के फूफा। कराची की लड़कियां, यू डोंट नो, दिमाग मदूद, तलीम ज्यादा। वो पहला बच्चा जिसने मैट्रिक किया मुजरा। आपको कराई है तो क्या हुआ? तेरे पैसे मेरे पैसे और मेरे पैसे मेरे पैसे, क्यों मसाऊं? बस भी करो मोमो शॉपिंग की बातें। तुम लोगों को पता है कि तुम्हारे जाने के बाद घर में क्या हुआ है? क्या हुआ महमूद साहब? अरे तुम्हारे जाते ही नौशी की एंट्री हो गई। कौन नौशी? अरे इसके बचपन की मोहब्बत, जिससे ये शादी करने वाला है। क्या? नबील, ये मैं क्या सुन रही हूँ? ले, इसको पता ही नहीं चला तूने क्या कहा, फिर से बताएं मुस्तकीम। मैंने सुन लिया है माजी। नबील, ये वही लड़की है जिसका मैसेज मैंने पढ़ा था? अरे नहीं नहीं जानू, वो तो कोई और थी, महमूद साहब के सर की कसम। कितनी लड़कियों से अफेयर है तुम्हारा नबील? धोखेबाज, मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना। ले पुत्र, शक्ल छुपा ले अपनी। ओ मां जी, अब कुछ नहीं छुपाना, अब जो कुछ भी होगा डंके की चोट पे होगा। अरे यार नबील, अरे बाप पे डंका बजा दिया तुमने।